आज देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, अभी मैं आ रहा था गाड़ी के अंदर, एक चीज मैंने देखा, राजस्थान में भाजपा की सरकार है। मैं इस मंच से पॉलिटिकली भाषण नहीं देना चाह रहा, लेकिन जो आज के दिन में आदिवासी समुदाय के साथ जो धोखा हुआ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना पोस्ट की, अच्छा लगा हमें भी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस की शुभकामना दे रहा है। ये कोई मामूली दिवस नहीं है, ये उन्होंने घोषित किया है। लेकिन तकलीफ क्या हुई, किसी के पेट में मरोड़े पड़ने लग गए और आधे घंटे बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री की पोस्ट डिलीट कर दी। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्या आदिवासी दिवस का आप शुभकामना दे रहे हो, आधे घंटे बाद आपके ट्विटर हैंडल से आपने डिलीट कर दिया, क्या दिक्कत हो गई आपको? यह साबित होता है वर्तमान सरकार का आदिवासी समुदाय को लेके क्या दूरदृष्टि है, क्या सोच है उन लोगों की। पोस्ट किया, आधे घंटे में डिलीट कर दी मुख्यमंत्री के पोस्ट से। किसका दबाव आया आप पे? आप नहीं चाहते हो आदिवासियों का भला। आज हम आपसे उम्मीद थी कि आज आदिवासियों के लिए कई बड़ी घोषणा करते, इस इलाके में आके दिवस मनाते, आदिवासियों के अधिकार को लेके, शेड्यूल 5 के जो प्रावधान को लेके बात करते। लेकिन उनको लगता है कि ये समाज ऐसे ही वापस कब्जे में आ जाएगा, जुमला फेंक देंगे, झूठ बोल देंगे, छोटी मोटी योजना दे देंगे। लेकिन ये समाज, इस क्षेत्र की जनता अस्तित्व के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ना सीख गई है और वो लड़ेगी। हमें साबित करना है ये बिरसा मुंडा, टाटिया मामा, राणा पूजा भील, राजा डूंगर बरंडा की धरती है और उनके वंशज है, ये हमें साबित करना है आने वाले समय में हम सबको मिलकर।